आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो गुरुकुल में संस्कार मिलते हैं, साहित्य मिलता है, पर हम पश्चाताप संस्कृति के चक्कर में पड़े हुए, और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। अपने धर्म के विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ना उन्हें रामायण के बारे में ज्ञान है, ना गीता के बारे में ज्ञान है। हाँ, ये जरूर है कि बार बार में क्या वो चलता है, कैसे चलता है, उसका बार क्या होता है। कई बार हमें इन्वायरमेंट भी वो बनाना पड़ता है। और मैम, धर्म की जानकारी, अगर हम सिर्फ धर्म की जानकारी देंगे तो बच्चे आज की साइंटिफिक दुनिया को कैसे कैप्चर कर पाएंगे। कहा जाता है कहीं ना कहीं संस्कार है, बड़ों के सामने नहीं बोलना। देखिए, वो ये इन्होंने बहुत अच्छा कहा, पर क्या है कि बच्चे वो भी बोल जाते हैं जो माँ बाप के लिए बोलना नहीं चाहिए, वहाँ कैसे बोल जाते हैं। इसमें कमी क्या है ना, उनको GST की नॉलेज ही नहीं है। मतलब अगर आप किस चीज में पबजी खेलने में व्यस्त हैं, ऐसे गेम्स खेलते रहेंगे तो आपको जनरल नॉलेज कहाँ से आएगी। आप पार्लियामेंट के बारे में या संसद के बारे में या क्या होता है, तभी तो आप बोल पाएंगे जबको आपको नॉलेज होगी। तो वो इस चीज़ से भी झिझकता है। आप देखिए ना, 5 मिनट में माँ बाप को कैसे बोल देते हैं, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता, आप चुप रहिए। तो वो कहाँ से आ जाता है उनके अंदर। और ये इसके लिए अगर कोई उनसे आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो कहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा। तो ये चीज उनको नॉलेज की कमी है। और अपने धर्म के विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, ना उन्हें रामायण के बारे में ज्ञान है, ना गीता के बारे में ज्ञान है। हाँ, ये जरूर है कि बार बार में क्या वो चलता है, कैसे चलता है, उसका बार क्या होता है, इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज है उन्हें। पर जो होनी चाहिए, जो अपने संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, जो अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान होना चाहिए, अपनी जो धार्मिक ग्रंथ है उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, वो नहीं है। वो नहीं है। भारत में कहीं इन सब चीज़ों को, धर्म को पढ़ाने में कहीं चूक होती है। जी मैम, धर्म एक्चुअली देखिए, अगर हम लोग के स्कूल की एजुकेशन की बात की है तो धर्म बहुत पीछे नीचे पढ़ाया जाता है। हमारे में कहा जाता है पहले वेल एजुकेटेड हो जाओ। एजुकेशन का मतलब यहाँ पे हर चीज़ जो समाज में आज चल रही है उसके बारे में जागरूक हो जाओ साइंटिफिक दृष्टिकोण से। उसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेज में आते हैं तो कहा जाता है क्रिएट अ सिक्योरिटी, अपने समाज अपने अंदर सिक्योरिटी लाओ। सिक्योरिटी एजुकेशन से आती है, अच्छी जॉब से आती है, अच्छी अर्निंग से आती है, अच्छी कॉन्फिडेंस से आती है। उसके बाद कहा जाता है गृहस्थी करो, उसके बाद आखिरी में कहा जाता है धर्म की ओर चलो। और चलो तो धर्म कहीं ना कहीं पीछे ही है। वो मतलब कहते हैं कि आधी उम्र बिताने के बाद ही धर्म की ओर जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। युवा को यही करना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के समर्थन में हूँ, मैं खुद युवा हूँ और मैं यही कर रहा हूँ कि धर्म जाऊंगा लेकिन अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद। धर्म का देखा जाए, लेकिन जागरूक होना जरूरी है। धर्म की तरफ जाना एक बात है, धर्म के लिए जागरूक होना दूसरी बात है। जागरूकता आपको बचपन से होनी चाहिए। मैम देखिए, जागरूक देखिए इन्वायरमेंटली हो ही जाता है। बच्चों को पता होता है ना किसके सामने हाथ जोड़ना है, ये बात वहाँ उन्हें कहाँ से पता चली। इसके लिए कोई उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली, इसके लिए सिर्फ उन्होंने ये किया कि जो माँ बाप कर रहे हैं उसको फॉलो किया। तो कई बार हमें इन्वायरमेंट भी वो बनाना पड़ता है। और मैम, धर्म की जानकारी, अगर हम सिर्फ धर्म की जानकारी देंगे तो बच्चे आज की साइंटिफिक दुनिया को कैसे कैप्चर कर पाएंगे। जिस तरह से बच्चे हैं, युवा से क्वेश्चन किए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं, जिस तरह से बृजभूषण का केस, मैं कहती हूँ आज मैंने किसी युवा से पूछा मणिपुर के बारे में, वो कहते हैं हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं ले? क्यों इसलिए इंटरेस्ट नहीं है, जैसे इन भाई ने कहा कि मैं धर्म का ज्ञान कब लूंगा, 50 साल के बाद लूंगा, 50 साल की एज हो जाएगा जब मेरे शरीर में ना जान नहीं रह जाएगी और मेरा शरीर जो है उस तरह का हो जाएगा। तो कहने का मतलब, हम ना अपनी जानकारियों को, हमने क्या करा, हमने पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया अपने बच्चों को, हम अपनी संस्कृति को ऐसे गुरुकुल में नहीं ले गए। तो गुरुकुल में संस्कार मिलते हैं, साहित्य मिलता है, पर हम पश्चाताप संस्कृति के चक्कर में पड़े हुए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो देखिए ना कितना फर्क है, हम कहाँ जा रहे हैं, उल्टी जगह। आज आए दिन हत्याएं क्यों हो रही हैं, आए दिन बलात्कार क्यों हो रहे हैं, आए दिन रेप क्यों हो रहे हैं, आए दिन हत्याएं क्यों हो रही हैं, ये हमारी संस्कृति का वो है कि हम कौन से कल्चर की तरफ जा रहे हैं। बॉलीवुड ने क्या करा, बॉलीवुड ने हमारे संस्कार और संस्कृति को भ्रष्ट करके रख दिया। जितने भी है नंगे दंगे आकर के दिखा रहे हैं, इसका साथ अफेयर हो गया, उसको मार करके और ब्रीफ केस में खींच के ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा शाहरुख खान की फिल्म। तो कहने का मतलब, इस प्रवृत्ति की तरफ हम देख रहे हैं, जी ड्रिंक कर रहे हैं, अरे भैया जो संस्कार में ही नहीं है हमारे, पर हम ड्रिंक करे जा रहे हैं, स्मोकिंग करे जा रहे हैं। इतने बच्चे आप देखेंगे वो सिगरेट पी रही, लड़कियां तक सिगरेट पी रही होती है, तो कहाँ है उनके संस्कार। और जब जाएंगे तो क्या संस्कार आएंगे उनके अंदर।
पेरेंट्स के सामने ही अगर कोई इस तरह की हरकतें करेगा तो पेरेंट्स क्या, अब मैं कह रहा हूँ आज की डेट पे पेरेंट्स चुप रहता है, चुप मुंह क्या लगता है पेरेंट्स चुप मैम, माता पिता चुप्पी बांध के रखते मैम, चुप भी रहते हैं और चुप भी करते भी हैं, बच्चों को वो हमेशा बोलने नहीं देते, अगर वो आंसर करेंगे उनकी बातों का, उनकी जिज्ञासा शांत करेंगे तो ज़रूर वो एक अलग दिशा में से उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। मेरे माँ बाप ने अक्सर मेरी बातों के जवाब दिए हैं, हालांकि परेशान हो जाते थे वो मुझसे, लेकिन इससे मुझे पता चला कि मुझे क्या नहीं करना है। और जैसे सर ने कहा कि महिलाओं को, महिलाएं भी सिगरेट पी रही हैं, महिलाएं भी नहीं सिगरेट पी रही, महिलाओं का बराबर ही आइडेंटिटी है, इनफैक्ट थर्ड जेंडर की भी उतनी आइडेंटिटी जितना मैं और आप हैं। तो इस तरह की बात कहना, पुराने टाइम में हमारे दादी वादी बीड़ी पीती थी, ये तो हमने देखा ही है ना, तो ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता कि महिलाएं सिगरेट पी रही हैं, ये कोई अनोखी बात है। और ना वो महिलाएं इस सोसाइटी से ही हैं और वो कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, अगर पुरुष कर रहा है और गलत नहीं है तो, अगर दोनों गलत है तो दोनों के लिए गलत है, गलत है तो दोनों के लिए गलत है। बृजभूषण का जो ये चुनाव का मुद्दा था, देखते हैं कहां तक जाता है। ऐसी और खबरों को के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सौरभ के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।